झारखंड नमस्कार लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है राजगंज हाई स्कूल में जहां बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया है जेबी केसेस के द्वारा। थोड़ी देर के बाद मुख्य वक्ता टाइगर जयराम महतो पहुंचने वाले हैं, लेकिन मेरे साथ पूजा महतो है, क्रांतिकारी है। चलिए उनसे बात करती हूँ, क्या तैयारी है और टाइगर जयराम महतो के लिए क्या संदेश है? जोहार तो आपको पहले। दीदी आपको भी जोहार। अच्छा एक बात बताइए पूजा, कहाँ की आप रहने वाली हैं? हम बेरमो फुसरो की रहने वाली है, वहाँ पे बेरमो विधानसभा के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है अमलो बस्ती। मेरा घर उसी गांव में है, हम वहीं की निवासी हैं। तो आज टाइगर जयराम महतो आने वाले हैं यहाँ पर। आपको क्या क्या उम्मीद है और 24 में क्या होने वाला है? देखिए टाइगर जयराम महतो अभी झारखंड के हर गांव, हर शहर, कोने कोने में हर जगह जा रहे हैं, आज यहाँ भी आएंगे। और बस मुझे ही नहीं, पूरे झारखंड की जनता को, पूरे जितने भी जनता है, वो लोगों का प्यार है, प्रेम है जो जगह जगह पे बुला रही है। और वो जनता जो बुला रही है, तो ये बस भीड़ नहीं है, ये 24 में बदलाव की, ये जो जेबी कैसेस या जयराम महतो, ये झारखंड का उगता हुआ सूरज है। तो सभी लोगों को, सभी जनता को समझ में आ गया है कि इसी यही जो सूरज है, इसी की रोशनी से झारखंड का जो है, जो हम लोग को झारखंड राज्य मिला है, लेकिन झारखंडी के हित में कुछ नहीं है, ना यहाँ के नीति नियम है, ना यहाँ कानून है। तो ये जो जयराम महतो जी है, यही जो है नूतन झारखंड का निर्माण करेंगे। नूतन झारखंड यानी झारखंडी मूलवासी के हित में वो झारखंड राज्य होगा। संघर्ष क्या होता है, जैसे आप राजगंज के मार्केट में चले जाइए, वहाँ जो दतवन बेच रही है, जो दोना बेच रही है, जो पतरी बेच रही है, उनसे पूछिए कि संघर्ष क्या होता है, पसीना क्या होता है, छत का महत्व क्या होता है। अब ठंड का दिन आ रहा है, उसमें स्वेटर और कंबल का महत्व क्या होता है। वो लोग यहाँ के मूल निवासी है, उनको बस दतवन और पतरी और दोना बेचने के अलावा कोई काम नहीं है। हमारे यहाँ राज्य में कितने सारे खनिज संपदा परिपूर्ण है, लेकिन क्या उससे यहाँ के मूलवासी को कोई फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इन गरीब दुखी लोगों का दुख दर्द कौन समझेगा? जो एक गरीब घर का बेटा होगा जिसका नाम होगा जयराम महतो, और वही सारे गरीब का सहारा बनेंगे और नूतन झारखंड का निर्माण करेंगे। 24 में जीतने वाले हैं टाइगर, पक्का है? पक्का है। अच्छा एक चीज बताइए, किस क्लास में आप पढ़ाई करती है, क्या पढ़ रही है फिलहाल? मेरा अभी M.Com कंप्लीट हुआ है, उसके बाद आंदोलन में यहाँ वहाँ हर जगह जाने के क्रम में मेरा अभी थोड़ा ब्रेक लगा हुआ है, M.Com मेरा कंप्लीट है। आगे और भी पढ़ाई जारी रखेंगे? हाँ, बस आंदोलन जैसे खत्म होता है, आंदोलन तो खत्म नहीं होगा, लेकिन अभी है कि जोरों शोरों से हम लोग को तैयारी करना होगा, उसके बाद जयराम महतो को कुर्सी में बैठा देंगे, उसके बाद अपने पीछे के जीवन में लड़ जाएंगे। झारखंड के युवाओं को क्या कहना है, लड़कियों को, लड़कों को क्या कहना है, जो अभी भी झारखंड की क्या, झारखंड में क्या बदलाव आना चाहिए उसको समझ नहीं पा रहे हैं या दुख दर्द को नहीं समझ पा रहे, क्या कहना है उनको? देखिए झारखंड के बेटा हो या बेटी हो, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब हम लोग को युवा होना जिंदगी में, जवानी का बस दौर मात्र नहीं है जिसे हम आंकड़ों में शामिल कर सके। हर युवा को समझना चाहिए कि वो तो हमें बस आंकड़ों में शामिल नहीं होना है। हमारे राज्य में किस तरह यहाँ के मूल निवासियों को ठगा जा रहा है, उनके साथ छल कपट किया जा रहा है, आप अपने हक को समझे। अगर आज आपके घर में सब चीज़ परिपूर्ण है, एक नौकरी है, तो आप उसमें खुश है कि हम राजा है, लेकिन आपकी जो आने वाली पीढ़ी है ना, आपके यहाँ नियोजन नीति से कुछ नीति नियम ठीक है, तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी होगी उन्हें ना ढंग से नौकरी मिल पाएगी, ना उनका अपना पहचान हो पाएगा। तो हम लोग जो है आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि हम लोग का टाइम तो अब गया, हम लोग ठगे गए, ना हम लोग को पहचान मिला, तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये लड़ाई, और सभी से कहेंगे कि आप आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग जितना मिल के चलेंगे उतना मजबूती होगा। और हम लोग के भी वो बोलते हैं ना कि पुरुष घर के शान होते हैं, तो महिला जो होती है घर की नींव होती है, तो हम हर एक महिला में, पुरुष में तो ताकत है ही, हम लोग के बाजू में भी उतना पावर है कि अपने राज्य को अपने हाथों से संभाल के रख सके। बाहरी विधायक सांसद चाहे बाहर के बेटा बेटी हो, उनके हाथ में ना दें, खुद के हाथ में अपने राज्य को संभालेंगे। चाहे एक बात बताइएगा, अभी फिलहाल जो कुछ बदलाव है टाइगर ला रहे हैं, वो क्या झारखंड के सब लोग समझ पा रहे हैं, या जेबी केएसएस जो है, जिस तरह बीजेपी है, जेएमएम है, कांग्रेस है, उस तरह से स्थापित हो पाएगी? देखिए यहाँ की जनता समझ रही, क्योंकि आपको भी पता होगा, पूरे राज्य को पता है कि मतलब यहाँ जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, या जयराम महतो को जो भी, अभी आज ही राजगंज का ले लीजिए, यहाँ पे जो भी आपको पंडाल, लाइट, साउंड, या फिर कुछ दिन पहले से जो दिख रहा है, वो सब यहाँ की जनता कर रही है।
तो जनता चाहती है कि कांग्रेस आजू या बीजेपी से ऊपर इस पार्टी को रखना, जयराम महतो को सबसे ऊंचे कुर्सी में बैठाना। हेमंत, सरकार की क्या कमी जो है जिस कारण आज झारखंड की ये दुर्दशा, कुछ बताना चाहेंगे? हेमंत, सरकार की चारों तरफ से कमियां है। वो यहाँ ना हम लोग को पहचान दिला पाए, ना हमारे नियोजन नीति में नीति नियम, वो बस अपने अपने जो है अपने में व्यस्त है कि कहाँ का उनको खदान लूटना है। वो तो कह देते हैं कि यहाँ के राज्य में जो है आप लोग को कमाने के लिए बस नौकरी करना जरूरी, आप लोग सुअर पालो, बकरी पालो, बिजनेस करो। तो आपको भी, आपके पापा तो थे ही सीएम, आपका पूरा मतलब हम लोग के भाषा में बोलते हैं घर घुसटी आपका पूरा लगा हुआ है राजनीतिक में, तो आपको मुख्यमंत्री के पद में बैठना क्या जरूरी? आप सुअर पालो, आप बकरी पालो, तो हम लोग भी देख के हम लोग भी पालेंगे। तो ऐसे ऐसे जो हमारे यहाँ के सीएम रहेंगे तो यहाँ की जनता क्या विकास करेगी? झारखंड की संस्कृति को बचाने के लिए एक युवा क्या कर सकता है? झारखंड की संस्कृति को बचाने के लिए अभी एक युवा ही पूरे राज्य को जगा के रखा हुआ है। आप देखती होंगे ना, पहले आप धनबाद में देखे डहरे टूसू निकला, हमारे फुसरों में भी निकला था, अभी सोहराय पिछले साल भी हुआ था, इससे पहले आपको कहीं नहीं दिखा होगा। तो एक युवा ही है जो पूरे जो हम लोग का राज्य है जहाँ की संस्कृति धीरे धीरे मिट जा रही थी, तो एक युवा ही है कि दो सालों से उसको बचा के रखा है, और जब तक उस युवा में जान रहेगा यहाँ की संस्कृति को बरकरार रखेगा। धन्यवाद पूजा, आपको भी जो है आप देख रहे हैं पूजा महतो है, युवा एक क्रांतिकारी है। कहा जाता है कि शक्ति में आज भी जो है एक वर्ग कहता है पुरुष की शक्ति सबसे अधिक है, लेकिन इस तरह झारखंड की तस्वीरें बदल रही है और लड़कियाँ कैमरे पर आकर ये एहसास करा रही है झामुमों को, खास करके यहाँ की जो गवर्नमेंट है कि क्या क्या कमी और दोष उनमें रह गया। खैर, राजगंज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाइव इंडियन गार्ड के साथ, अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।